इसी की जान के लिए ट्रिगर आ चुका है और ट्रिगर के दिल से भी काफी बहुत क्रिएट हुआ है। तो राघव जी बताइए कि तीन दिन से आप इंटरव्यू दे रहे सेम सवाल सेम जवाब सुन सुन के बोर हो गया? नहीं नहीं बोर नहीं हुए, मज़े ले रहे हैं यार इस वक्त के इस पल के मज़े ले रहे हैं। ये फिर पल वापस नहीं आएगा। एक हम एक फिल्म के भाग नहीं है, एक फेस्टिवल के भाग है मुझे ऐसा लगता है। चार साल बाद सलमान भाई आ रहे हैं और उसका पार्ट है हम तीन, तो ये बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता यार, बिल्कुल जी जान लगा देंगे इसमें। ये बहुत मज़ा आ रहा है हमें आप सबके साथ इंटरव्यू करके और फिल्म के बारे में बता के, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं एक फेस्टिवल है और सलमान सर खुद आप लोग के लिए यू नो ईदी लेके आ रहे हैं 21 अप्रैल को, ताकि आप सब जाएं अपनी पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म देखें। सुबह से इनफैक्ट तीन दिन से हम जो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू नो हमने एक हमारा सपना एक पूरा हुआ है और अब उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बड़े दिल लगा के ही सबको आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम थक गए, हम और अभी रात भर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा और ये ऐसी फिल्म है जो हम सबके लिए एक सपना हमारा सच हो गया, तो हम बहुत ही लाइक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप 21 को ये फिल्म देख के और उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए। तो राघव को आप भाई बनाने में ज़्यादा उम्मीद करती हैं? क्या बनाऊँ भाई बना दे कुछ भी बना, मैं इतना स्लो हूँ कि आऊँगा राखी पे ही। हाँ, देखो जान भी बना लोगी तो भाई जान से कम नहीं होते। जो नहीं भाई को तुमने इनसे पूछ लिया भाई क्या वो फेमर चल रहा है कि भाई को धनुष की तरह रख दोगे? भाई को तो पूछो भाई को जान बनने की भाई। हाँ मैंने पूछा, मैंने पहले ही पूछ लिया ना तुझे क्या बनना बता दे, मैं वो बना लेती हूँ। नहीं नहीं वो मेरी बहुत बहुत ही प्रोफेशनल को एक्टर है मेरी और ये बहुत ही बहुत सीखने को मिलता है इन दोनों से ही, छोटे हैं मेरे से लेकिन बहुत सीखने को मिलता है। उसने मुझे एक्शन सिखाया और ऐसा एक्शन मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में मेरा सबसे फेवरेट जो एक्शन की एंट्री है वो सिद्धार्थ की है। अमेजिंग अमेजिंग करता है एक्शन और ये इससे मैं सीखता हूँ कि कैसे प्रेजेंटेबल लगना है कैमरे के आगे। मैं क्या हूँ मैं थोड़ा देखता नहीं शीशे से ऐसे ही आ जाता हूँ, लेकिन कैमरा प्रेजेंस में प्रेजेंटेबल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिनेमा कर रहे हैं कैमरे के आगे आ रहे हैं तो मैं इससे सीखता हूँ। तो बिल्कुल एक तरह से स्वीट है। थैंक यू थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल अशोका में मिले थे हम बहुत मिले। बल्कि बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम सब अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आए। आप हम जब डांस करते थे तो हमें पता था कि बेस्ट कौन है, राघव भाई। तो हम अगर हमें कोई भी यू नो स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत होती तो हम राघव भाई को दिखाते थे, यार आ रहा है ना, मतलब फील आ रहा है ना, हाँ मस्त कर रहा है। तो ये एक आई थिंक हेल्प हो जाती है, ना कि ऐसा लगता है कि यू नो प्रॉब्लम होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड सेम जैसे कि भी राघव भाई ने बोला एक्शन को लेके मेरे से, सेम जस्तीपा जी जब होते थे तो जब भी हम कोई गाना सुनते थे तो वो अपने सजेशंस देते थे कि ये गाने में हम ये भी ऐड कर सकते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं पूरा कोलैबोरेटिव वर्क है ये जो आपको देखने को मिलेगा। मैं आई गेस इंडस्ट्री में इन सबसे कम एक्सपीरियंसड हूँ, तो मेरे लिए तो हर एक दिन एक जर्नी थी, एक सीखने की जर्नी थी। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि आई वॉज ब्लेस्ड विद अ यू नो लर्निंग प्रोसीजर। तो हर दिन मैंने इनसे कभी कुछ सीखा, इनसे कभी कुछ सीखा, वेंकटेश सर सलमान सर सबसे सीखा। तो मैं अब ऐसा है कि मैं निखर के बाहर आई हूँ और तैयार हूँ फील के लिए। नहीं यार मैं कभी भी उस लालच में नहीं की थी वो चीज़, मैं समझ तुम्हारे बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी होती है वो, मैं वो मजबूरी थी उस वक्त सबकी हमारी की, हमें निकलना पड़ा था घरों से बाहर और ऑन ग्राउंड काम करना पड़ा था मुझे पूरे। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा लोगों को जिन्होंने मेरे साथ मेरी मदद की, आप सबको। बहुत बुरा हाल था, मेरे ख्याल से सभी बाहर निकले हुए थे, 17-17, 16-16 साल के बच्चे बच्चियाँ बाहर थे और वो मेरे साथ लगे हुए थे और इतने लाखों लोगों को उन्होंने मदद करी, इतनी तादाद में सिलेंडर्स पहुँचाए, इतनी चीज़ें हुई, तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू। और वो दुआएं बिल्कुल मुझे
मुझे खुश, बस मैं खुश रहूं चाहे जा रहा हूं, मैं ऐसे ही मानता हूं लोग खुश रहें। लेकिन हाँ, ये फिल्म आप बात कर रहे हैं भाईजान की, आप देखिए ना, देखिए कैसे मिलती है चीज़ें। वो चीज़ हम मैंने की सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है जो हेल्प करने के, भाईजान है सलमान भाई। तो मेरे को कैसे सलमान भाई की फिल्म मिली, तो वो एक तरह से एक ऊपर वाले का मतलब मेहर बरसाई है मुझ पर। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ, अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है खुद को पोस्टर में देख के। सलमान सर के साथ सब लोग हैं पूरे फिल्म में, बैंकी सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हम सब सलमान सर के मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, और तो मैं मुझे लगता है कि जितने भी फैंस हैं सब ये फीलिंग रिलेट कर पाएंगे कि हम सबका अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा मन करता है कि यार सलमान सर से मिलने का मौका मिल जाए, उनके साथ एक पिक्चर मिल जाए। कभी बार बहुत लोगों को पिक्चर नहीं मिलती, लेकिन मिल लेते तो भी कितने खुश हो जाते हैं। तब आप समझ सकते हैं, वो सेम फीलिंग मेरी भी थी जब मैं अशोका प्रमोट करने गया था, और मैं आया था मतलब प्रयागराज से आया था, मतलब मेरी तो मतलब मैं ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, ज़्यादा फिल्मों के बारे में नहीं जानता था, बस कुछ ही लोग को जानता था, और उनको मैं हमेशा से यूँ देखते आया हूँ। उनसे मुझे जब अशोका के टाइम मिलने का मौका मिला, आई वॉज लाइक सरप्राइज यू नो कि सलमान सर से मिलने का मुझे मौका मिला है। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी, यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखा होता है, एंड आज मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी भी रही है, एंड एंड आई फील ब्लेस्ड आल्सो। कहाँ देखा आपने लोग? हाँ, कपिल शर्मा में। अच्छा, वो आ गया बाहर? हाँ, कल ही आया कपिल शर्मा शो। हाँ, नहीं पता नहीं, ऐसा लुक नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एडिटिंग ना बहुत बड़ा एक टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है। एडिटर हमारे देश में या कहीं सिनेमा में एडिटिंग इस बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सिनेमा का, फिल्म मेकिंग का या टीवी का। तो कल को अगर मैं किसी को लुक दूँ और वो लुक में वो किसी को फलाना को डाल दें, डिमकाना को डाल दें, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही लुक दिया है। समझ रहे हैं आप, एडिटिंग से तो पूरी फिल्म बनती है। अच्छी से अच्छी फिल्म ख़राब हो सकती है, और बुरी से बुरी फिल्म ठीक हो सकती है एडिटिंग से। तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है आजकल। तो ज़्यादा एडिटिंग पर ज़्यादा भरोसा मत करो, अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की बात पर, शुरू से मेरा काम बोला है, मैं डांस करता था मेरा डांस बोला है, मैंने होस्टिंग करी मेरी होस्टिंग बोल रही है, अब मैं एक्टिंग करूँ मेरी एक्टिंग बोलेगी। ये सब चीज़ सुर्खियों को उड़ने दो, हम चलते हैं बढ़ते रहेंगे। इसके पहले जब भी आपने काम किया, आप रेमोट रहे या फिर अलग अलग तरीके से उनके डायरेक्शन में आपने एंकर भी किया, ऐसे में जब प्रहलाद जी के साथ काम करते हैं, इस ये टफ डायरेक्टर? फराज सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दी बेस्ट ह्यूमन बींग। और ऑन सेट ऑल्सो हम सबकी बहुत, पहले तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर हमें कुछ पूछना भी होता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। उनके अंदर वो जब कुछ भी नरेट करते हैं ना, आप बैठी हो आपको पूरा इतने अच्छे से नरेट करेंगे, इतने अच्छे से करके बताएंगे कि आपको लगेगा कि आप वो सीन जी रहे हैं जब वो बताएंगे। तो ही इज़ the best and is that one person on set jinko aap aisa hota hai na bahut log khade hain ek ko specially man karta hai jaake hi bolne ka baat karne ka wo hai he's so jolly in nature and so welcoming ki lagta hai matlab he's such a big director like hi sir you can be like whatever you want from him fun loving fun loving great human agar hum gaane ki baat kare lenta part ki baat kare lenta ma लुंगी के साथ डांस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जहाँ से हम हैं, मतलब वो लुंगी पहन के, और सलमान भाई ने भी जो मेरी खींची है उसमें, तो वो आप देखा ही आपने वीडियो जिसमें मुझे वो सिखा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था यार। 200 से ऊपर डांसर्स थे शायद से, बहुत से नहीं, 2000 1000 ऐसे डांसर,
मैक्सिमम लेवल पे शूट हुआ है। और ऊपर से रामचरण सर और सलमान सर तो साथ में आएंगे तो आधा तो आप वहीं पे बेहोश, तो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैंड एक्सपीरियंस था क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड सॉन्ग्स है हमारे। और पता है हम लोग ना हम लोग जो डांस कर रहे थे वो एक कोरियोग्राफी थी मानते हैं, बट जब हम लोग डांस करते थे ना तो जब ऐसे नहीं कोई गाना बजता और आप बिंदास नाचते हो एकदम, हाँ। जैसे सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग लिटरली वहाँ पे नाच वैसे ही रहते बिंदास। आप मेकिंग देखिए, आपको मेकिंग में समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं कर रहे थे, जो हमें बताया गया हम वही कर रहे हैं, हम लोग फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। और मेकिंग छोड़िए, आप पोस्टर ही देखिए हमारा, मैंने लुंगी कैसे संभाली में पहने के ऊपर करके, अगर आप देखेंगे बाद में आपको दिखाएंगे तो देखना लुंगी, तो वही है मुश्किल था उसमें, लेकिन मज़ा आया, हवादार हवादार लुंगी। मेरे बड़े भाई, सगा भाई है और मेरे सबसे अच्छी रेपो पूरी फैमिली में मेरे भाई के साथ है, मैं मुझे सबसे ज़्यादा वो समझता है यार, आई लव हिम, और मैं सबसे आई थिंक ज़्यादा प्यार अपने भाई छोटे भाई को करता हूँ, और वो भी फिल्म मेकर है, वो थोड़ी फेस्टिवल्स वाली फिल्म बनाता है, अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल गई थी, फिर इधर धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में जीती अवार्ड, तो वैसी वो वैसा फिल्म मेकर है बहुत ही, क्या बात है। हाँ एंड माई यस, तो काफ़ी चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिलती है, जैसे मैं बोल रहा था कि इससे सीखता हूँ, छोटों से आप ज़्यादा सीखते हो आजकल, बड़ों से नहीं सीखते, छोटों से बहुत सीखने लगे, इनको जो पता है वो, मेरे को ऐसा लगता है ये गुरु है सब। मेरा भी जो छोटा भाई है वो मुझे कभी कभी लगता है मुझसे ज़्यादा ठहराव है उसमें, बहुत मैच्योर है मुझसे, मुझे लगता है कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, मेरी दीदी काम ना हो आप ऐसे, I'm embarrassed but you're right. So it's like that. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने ना छोटा होके बड़े भाई का काम किया है, क्योंकि आप एज एन एक्टर आपको बहुत सारे फेजेस होते हैं आपके इमोशनल भी, और तो उसने मुझे बहुत एक मेरे साथ ही रहता है क्योंकि वो ही इज़ ऑल्सो डूइंग कॉलेज इन मुंबई ओनली, तो उसने बहुत संभाला है मुझे, बहुत साथ दिया है, एक बड़े भाई की तरह साथ दिया है, तो आई एम रियली लकी। और एक बड़ी चीज़ उसने मेरे भाई ने और कर दी जिससे मुझे पूरे परिवार मुझे गालियाँ देता है, उसने शादी पहले कर ली मुझसे और छोटा है मुझसे, तो ये तो बड़ा वो हो गया ना, घर बड़ा पे होता है, घर पे बड़ों की शादी पहले होता है, छोटे ने शादी कर ली देख उसे, और दूसरी बात है जो वाइफ है वो IPS है, हाँ तो अब और वो प्रेशर, तो अब मुझे लग रहा है लगता है मुझे भाई के साथ फार्म पे रहना है, नहीं ऐसा कुछ सीन। नहीं काम बहुत है यार, मैं अभी डबल शिफ्ट मार रहा हूँ, दूसरी फिल्म भी शूट कर रहा हूँ साथ साथ, तो वो अब कैसे मैं नहीं अभी ये भी काम पे फोकस बड़ी। हाँ जी दो साल क्या चीज नहीं भी जल्दी कोई नहीं है शादी की आपको, कोई नहीं बता पाया ये कोई नहीं बता पाया है कि शादी कब होगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो ऊपर से लिखा आता है ना ये एक लौते हैं जो आपकी शादी करवाना चाह रहे हैं, पंडित बन क्या हो गया इतनी क्यों वो है। तो जैसा कि मैंने भाई के लिए पूछा था, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, माई ब्रदर इज लाइक माई फादर, और अगर फिल्म से कहें तो यस ही इज़ माई रियल भाई जान जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, और कोई भी मुझे छोटी बड़ी तकलीफ कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो, आई ऑलवेज गो टू हिम आस्क हिम, और मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गाइड वही करते हैं। आप जैसे कि अपने छोटे भाइयों का एक्सपीरियंस तो बता दिया, सलमान मेगा साथ सलमान खान के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी उनकी क्वालिटी थी जो आपको पसंद आई और थ्रू आउट योर करियर आप उसके उस क्वालिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं? उनकी सादगी, वो इतने बड़े स्टार हैं अभी, हाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं वो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, पूरे हैदराबाद के शेड्यूल में मैंने उन्हें कभी भी धूप में छाता इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, वो धूप में बैठते हैं और नेचर को प्यार करते हैं, वो फार्म में नंगे पैर घूमते हैं, खेतों में खेती बाड़ी करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उनसे साथ दी, वो मुझे बरकरार रखनी चाहे मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँ लाइफ में। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो डिफाइन करती है कि वाई ही इज़ एट द प्लेस ही इज़, वो उनका हार्डवर्क, और कुछ भी हो जाए मतलब पूरे दिन में, जैसे कि सिद्धार्थ ने भी बोला अपने इंटरव्यूज में, वो वर्कआउट करना नहीं मतलब ही वोंट लीव इट,
वो दिन भर इस फिल्म के लिए ऐसे लगे थे जैसे उनका एक यू नो हमारा एक बच्चा होता है कि नहीं क्या ये कैसे वो कैसे. सो उनकी जो मेहनत है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हर एक छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ में इस फिल्म में, वो डिफाइन करता है कि उन्होंने जो एक्सेलेंस है उनमें और जो अभी वो है वो क्यों है. हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. मैंने एक जो चीज़ सीखी है सलमान सर से, वो मैंने मतलब पर्सनली ऑब्जर्व किया है उन्हें, कि लोग अकेले चलना अकेले बढ़ना सब कर लेते हैं, लेकिन सबको साथ लेके बढ़ना सबको साथ लेके चलना वो सलमान सर करते हैं. और वो चीज़ मैंने उनसे मतलब वो मैंने सेल्फ ऑब्जर्व करके उस चीज़ सीखी, वो कैसे सेट पे पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे, सबका ध्यान देते थे. और मतलब ही इज़ अ डिफरेंट गाय, लाइक जेन्युइनली आज वो जो हैं इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन हार्ड वर्क और ये जो मैंने आपको बताया उस वजह से. और ये फिल्म भी आपको वो बॉन्ड दिखाएगी, यू नो सबको साथ लेके चलने की बॉन्ड, फैमिली इम्पोर्टेंस और कल्चर, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, हिंदुस्तानी फिल्म है, तो आप सब जरूर जाके देखें किसी का भाई किसी की जान. थैंक यू.